देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई मंदिर हैं जिनके रहस्यों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने कई बार कोशिश की, पर वे नाकामयाब रहे। यहाँ पर ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में, और आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के उन 5 रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताएंगे जहाँ रोज चमत्कार होते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। शिकारी देवी मंदिर। हिमाचल के मंडी में 2850 मीटर की ऊंचाई पर बना शिकारी देवी मंदिर आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है, क्योंकि आज तक कोई भी शख्स इस मंदिर की छत नहीं लगवा पाया। कहा जाता है कि मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ पर सालों तक तपस्या की थी। उन्हीं की तपस्या से खुश होकर माँ दुर्गा शक्ति के रूप में यहाँ पर स्थापित हुई। बाद में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ मंदिर का निर्माण तो किया, मगर पूरा मंदिर नहीं बन पाया। सबसे हैरत की बात तो ये थी कि मंदिर पर छत नहीं लग पाई। कहा जाता है कि कई बार मंदिर पर छत लगवाने का काम शुरू किया गया, लेकिन हर बार कोशिश नाकामयाब रही। माता की शक्ति के आगे आज तक कोई भी शख्स इस मंदिर की छत नहीं लगा पाया। माँ के पत्थर की मूर्ति स्थापित करने के बाद पांडव यहाँ से चले गए थे। यहाँ पर हर साल बर्फ तो खूब गिरती है, मगर माँ के स्थान पर कभी भी बर्फ नहीं टिकती। बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश में सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है, और यहाँ भगवान शिव को हीलिंग के देवता के रूप में पूजा जाता है। ये मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है और इसको बेहद पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर के जल में औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिससे कई बीमारियां ठीक हो जाती है। ये एक ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान शिव की पूजा करके मन को एक अद्भुत शांति मिलती है। ये देश के उन कुछ मंदिरों में से एक है जहां भगवान शिव और रावण दोनों की पूजा की जाती है। सिमसा माता मंदिर। देवभूमि में माँ का एक ऐसा मंदिर है जो विज्ञान के लिए रहस्य बना हुआ है। यहाँ फर्श पर सोने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए आज भी शारदा सिमसा माँ के मंदिर में नवरात्रों के दौरान देश भर से हजारों महिलाएं पहुँचती है। संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं मंदिर में सोती है, जिसे धरना कहा जाता है। धरने में माँ किसी भी रूप में स्वप्न में आकर महिला श्रद्धालुओं को फल के रूप में संतान का आशीर्वाद देती है। महिलाओं को धरने से पहले मंदिर के साथ लगती बावड़ी के पानी में स्नान करना पड़ता है। स्नान के बाद महिलाएं मंदिर में धरने पर जाती है। अगर किसी महिला के जीवन में संतान सुख नहीं होता तो माँ उनको घर में जाकर काम करने का संकेत देती है। यदि माँ के आदेश के बाद भी कोई महिला फिर मंदिर में स्नान करके धरने पर जाती है तो उस महिला को चीटियां काटना शुरू कर देती है। लुटरू महादेव मंदिर। हिमाचल प्रदेश के अड़की सोलन जिले में स्थित है लुटरू महादेव। यहाँ प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर सिगरेट अर्पित की जाती है। हैरानी की बात तो ये है, जब भक्त द्वारा सिगरेट चढ़ाई जाती है तो वो अपने आप ही सुलगने लगती है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। इस नज़ारे को देखने के बाद यहाँ के लोगों का मानना है कि स्वयं शिव जी यहाँ पर सिगरेट पीते हैं। इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। बिजली महादेव मंदिर। कुल्लू शहर में व्यास और पार्वती नदी के संगम के पास एक ऊंचे पर्वत के ऊपर बिजली महादेव का प्राचीन मंदिर है। कुल्लू घाटी की मान्यताओं के अनुसार ये घाटी एक विशालकाय सांप का रूप है। इस सांप का वध भगवान शिव ने किया था। जिस स्थान पर मंदिर है वहाँ शिवलिंग पर हर 12 साल में एक भयंकर आकाशीय बिजली गिरती है। बिजली गिरने से मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है। यहाँ के पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़े एकत्रित करके मक्खन के साथ इसे जोड़ देते हैं। कुछ समय बाद पिंडी अपने पुराने स्वरूप में आ जाती है, लेकिन आज तक ये कोई भी पता नहीं लगा पाया कि आखिर 12 साल में यहाँ पर बिजली क्यों गिरती है। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो आप वीडियो में दिखाए किस मंदिर के दर्शन करना चाहेंगे। अपने सभी जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बोलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।